अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अलहा और आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। नाज़रीन, आज से दो दिन पहले एक नहायत ही अफसोसनाक इंटरव्यू से मेरा सामना हुआ और वो इंटरव्यू देख के मेरा दिल सहम गया, डर गया, थोड़ा शर्मसार महसूस किया, बुरा महसूस किया। वो इंटरव्यू था एक भारतीय पार्लियामेंटेरियन का जिनका नाम शशि थरूर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक नहायत ही जाने माने लीडर हैं। और वो एक इंटरव्यू में मौजूद थे और उनसे जो सहाफ़ी है उन्होंने सवाल किया कि थरूर साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और भारत के अंदर जो आज डिफरेंस है वो क्या है। तो शशि थरूर साहब ने सोचा एक मिनट के लिए और उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंश्राइन करके रखते हैं अपनी नेशनल असम्बली के अंदर। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारा जो आइन है उसको हम अपनी नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली के अंदर इस तरह रखते हैं जैसे मस्जिद के अंदर कुरान रखा जाए और मंदिर के अंदर गीता रखी जाए। और उसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर यही फ़र्क है कि बॉर्डर के उस पार उस जाहिल अवाम को अपने आइन के तकद्दस का नहीं पता। और उन्होंने ये जाहिल लोगों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, ये सुन के जो सर है वो शर्म से झुक गया और झुकना भी चाहिए क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं था। इसमें उन्होंने जो कुछ बोला वो बिल्कुल सच था। और पाकिस्तान की पिछले 10 दिनों की अगर मैं तारीख खोल कर देखूँ तो हमने अपने आइन के साथ इंसाफ नहीं किया। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जिस किस्म के इकदाम उठाए इन 10 दिनों के अंदर, गोया जैसे उनको सियासत का पता ना हो या उनके साथ जो बैठे हैं उन्होंने आज से पहले कभी सियासत की ना हो। हमारा जो बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर मजाक उड़ाया गया, अमरीकी जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने मजाक उड़ाया, जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने मजाक उड़ाया। और इसका पस मंज़र बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर हम इस नेच के ऊपर दोबारा कैसे पहुँचे। हम तो अल्लाह अल्लाह करके जो डिक्टेटरशिप है उससे निकले थे मुशर्रफ के दौर से, अब तो हम सही जा रहे थे, जमहूरियत ठीक जा रही थी, डिरेल नहीं हो रही थी। 10 सालों के अंदर जमहूरियत का जो पहिया है वो चलना शुरू हो गया था। आया के जो वज़ीर आज़म है उनको बदल दिया गया था, मगर दोनों पार्टीज जो PMLN और जो PPP है उन्होंने अपना जो अदवार है जो दौर था उसको मुकम्मल किया था। लेकिन आखिर अब क्या हुआ, 8 मार्च को जो अपोजिशन है उसने खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद शुरू कर दी। और जैसे ही तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई तो जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने तरह तरह की बातें बनाई कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये अपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, ये फजल रहमान लेके जा रहा है। और डीजल के नाम से बुलाया उनको और चेरी ब्लॉसम करते रहे। जरदारी को उन्होंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी उन्होंने उनके ऊपर सवालात उठाए अजीब अजीब किस्म के। लेकिन हुआ क्या, BAP, BNP, MQM और PMLQ के दो अरकान जो हकूमत के इतिहादी थे उन्होंने हकूमत से इतिहाद तोड़ा और अपोजिशन की सफ़ के अंदर जाकर खड़े हुए और अदम एतमाद की जो सपोर्ट है उसका ऐलान कर दिया। जैसे ही ये ऐलान हुआ तब जो हकूमती बेंचेस हैं उनके अंदर अफरा तफरी शुरू हो गई। अब ये अफरा तफरी जब शुरू हुई तो हॉर्स ट्रेडिंग का नाम लेना शुरू कर दिया गया, मुनरी फरकान का नाम लेना शुरू कर दिया गया। मगर ये कहना पड़ेगा कि खान साहब तैयार नहीं थे, खान साहब अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। आप इसको चाहे ज़िद कहें, चाहे अनापरस्ती कहें, चाहे आप इसको बदमाशी कहें, गुंडागर्दी कहें, आप इसको जो मर्ज़ी कहें, लेकिन खान साहब अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। और वो हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार थे मगर उस कुर्सी को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं थे जिस कुर्सी पर उनको इसी पार्लियामेंट ने बिठाया था। जब ये तमाम हो गया तो उसके बाद खान साहब को एक मशवरा दिया गया उनके एक नहायत ही करीबी साथी की जानब से
हमारे पास ये एक खत आया है, वो करीबी साथी इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने ये उनको मशवरा दिया कि हमारे पास ये खत आया है और इस खत को हम यूज़ कर सकते हैं। ये खत एक 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 साइफर था, एक केबल थी जो अमेरिकी सफ़ीर ने पाकिस्तान को भेजी थी, पाकिस्तानी सफ़ीर जो अमेरिका में था उसने पाकिस्तान में भेजी थी, और उसको पैराफ्रेज किया गया था, और पैराफ्रेज करके उसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस तरह लिखा था जिस तरह उनकी समझ में आया। ये जब उनको मशवरा दिया गया तो एक अमर बिल मारूफ के एक जलसे के अंदर जाकर भुट्टो की तरह उन्होंने इस खत को लहराया, जैसे भुट्टो ने किसी ज़माने के अंदर ख़त को लहराया था और कहा था कि अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, जिसके बाद भुट्टो को फांसी पर चढ़ना पड़ गया था। तो खान साहब ने भी वही हरकत की। ऐसा लगता था कि खान साहब ने जो भुट्टो की एक स्क्रिप्ट है वो गूगल से डाउनलोड की है और उसके ऊपर अमल पैरा हो गए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के भी खान साहब ख़िलाफ़ हो गए, जुडिशरी के भी खान साहब ख़िलाफ़ हो गए, अपने जो मुल्क एक हम दोस्त मुल्क ही मैं कहूँगा अमेरिका को, तो उसके भी वो ख़िलाफ़ हो गए। उसको भी उन्होंने ट्रेन के नीचे रोन दिया और उन्होंने कहा कि अपनी कुर्सी बचाओ, और कुर्सी बचाने खान साहब निकल पड़े। खान साहब जब निकले कुर्सी बचाने तो शायद बहुत देर हो चुकी थी, जो ओपोजिशन थी उसकी जो पोजिशन वो अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी, और चनाचा 3 अप्रैल को जो नेशनल असम्बली के अंदर है जी वो इजलास शुरू हुआ। कासिम शाह सूरी साहब इसकी सदारत कर रहे थे इस इजलास की, और इस इजलास के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, ना हो सकी, रद्द कर दी गई रूलिंग के तहत। 5A आर्टिकल 5A को आर्टिकल 5A के तहत इस रूलिंग को गैर कानूनी करार दे दिया गया, और ये कहा गया कि जितने भी अपोजिशन के अरकान हैं वो गद्दार हैं। ये एक स्पीकर असम्बली ने फैसला दिया, एक स्पीकर असम्बली ये बैठकर उस मंसब पर फैसला कर रहा था कि जितने भी अपोजिशन के अरकान हैं वो गद्दार हैं। इसकी जो मिसाल है ना वो पूरी दुनिया में नहीं मिलती इससे पहले, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर इसकी एक मिसाल मिलती है, और वो एक्सेप्शनल केस 1933 के अंदर हमें देखने को मिला। तब जर्मनी के अंदर एक इनेबलिंग एक्ट नाम का एक एक वाक्या रोनुमा हुआ जर्मनी की नेशनल असम्बली में, जब एडोल्फ हिटलर वहाँ पर मौजूद था, उसकी हुक्मरानी बन गई, और वहाँ की जो नेशनल असम्बली का स्पीकर था उसने ओपोजिशन को गद्दार करार दे दिया, और ओपोजिशन को गद्दार कह के उसने चलता किया नेशनल असम्बली से, और उसके बाद उसने ये किया कि अगले जितने भी ऑर्डिनेंस पावर थी वो सारी शिफ्ट कर दी हिटलर के हाथ में, कि अगले 5 साल के जितने ऑर्डिनेंस हैं वो ये बनाएगा और कोई इसको अपोज नहीं करेगा, और नेशनल असम्बली को ताला लग गया। वहाँ से एक फाशिज़म स्टार्ट हुई और दूसरी जंग अजीम हुई, दूसरी जंग अजीम वहाँ से हमें देखने को मिली। तो इसके बाद हमें ये काम कहीं होता नज़र नहीं आया। बनाना रिपब्लिक्स, नाइजेरिया, अफ्रीकी ममालिक के अंदर हमें ये जो काम है वो हमें नज़र नहीं आया, मगर पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ये काम किया और आर्टिकल 5A के तहत तमाम अपोजिशन को गद्दार करार दे के एक रूलिंग की गई, और उस रूलिंग के मुताबिक ये कहा गया कि आर्टिकल 5A के मुताबिक कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो अपनी स्टेट के साथ, अपने मुल्क के साथ वफादार हो। चूंकि ओपोजिशन वफादार नहीं है तो इस वजह से ओपोजिशन की ये जो मोशन है इसको मैं रद्द करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट आई इसके बाद, और इसके बाद जो भी हुआ वो इन गुनहगार आंखों ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर आइनी करार दिया, और बिल्कुल एक गैर आइनी कदम था, उसको गैर आइनी करार देना ज़रूरी था। खान साहब ने सोचा था कि शायद उनको इस डर से कोई उनको होप मिल जाए, कोई उम्मीद नज़र आए, कोई उम्मीद की एक नई किरण उनको नज़र आए, मगर वो जो उम्मीद की नई किरण नज़र आनी थी मेरे ख्याल से तब सूरज ग्रहण लग गया, और उनकी जो उम्मीद की किरण थी वो वहीं पर डूब गई, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला दिया, गैर आइनी कर दिया, गैर आइनी करार दिया उस फैसले को।
और उसके बाद जो खान साहब ने समनिया तहलील करने का फैसला किया था उस फैसले को भी गैर आइनी करार दे दिया गया और कहा गया कि 9 अप्रैल को दोबारा से असम्बली के अंदर इजलास बुलाया जाए, अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग की जाए और उसी दिन अगर अदम एतमाद पर वोटिंग कामयाब होती है तो नए वजीर आजम का इंतखाब कर लिया जाए ताकि मुल्क को और नुकसान ना पहुंचे। और याद रहे इस वक्त डॉलर की कीमत 190 थी और पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसमें रिकॉर्ड कमी रूनुमा हुई थी, ये उस वक्त की बात है। अब जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो दोबारा से 9 अप्रैल को एक मेला सजना था कौमी असम्बली के अंदर, जिसके अंदर या तो शहबाज शरीफ साहब ने अचकन पहननी थी या इमरान खान साहब वो अचकन पहनकर दोबारा से अपने जो है वज़ीर आज़म हाउस वहाँ पर उन्होंने जाना था, मगर इमरान खान साहब उम्मीदों के बरक्स दोबारा से नहीं आए। यहाँ पर भी एक मिसाल मेरे दिमाग के अंदर आती है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो मिसाल शेयर करूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो दिन ब दिन सोचा तो ये था कि दिन ब दिन मजबूत होती चली जाएगी मगर मजबूत होती नज़र नहीं आई। नेशनल इंडियन जो नेशनल असम्बली है वहाँ पर वज़ीर आज़म था तब का वाजपेयी, उसके ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग की गई और वो ये वोटिंग एक वोट से हार गए और एक वोट से हारने के बाद वो ऐसे अपनी कुर्सी को नहीं चिमर गए, उन्होंने आर्टिकल 5A नहीं लगाया बल्कि उन्होंने एक ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपोजिशन जो कि तब हुकूमत में आ चुकी थी उसे कहा कि आप भी इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, हम भी इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं और हम इकट्ठे काम करेंगे, और उसके बाद वो चुप करके वहाँ से अपने घर चले गए और किसी किस्म का वावेला नहीं हुआ। उन्होंने कोई आर्टिकल 5A नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। ये जमहूरियत थी, ये जमहूरियत थी। ये इसी वजह से खान साहब को मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में उनकी आज इज्जत की जाती है, क्योंकि वो एक जमहूर पसंद मुल्क है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पर जो काम होता है वो जमहूरियत की बिना पर होता है और इस वजह से दुनिया में उनकी इज्जत की जाती है। शायद कि आपने जो भी पिछले दिनों तकरीर की और आपने जो इंडिया की इतनी ज़्यादा तारीफ की उसमें आप ये चीज़ कहना भूल गए, क्योंकि आप खुद एक गैर जमहूरी तरीके से उस वक्त अपनी सीट के ऊपर बैठे थे जब आप कौम से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे 9 अप्रैल की प्रोसीडिंग्स के बारे में। नाज़रीन, कौमों की तारीख में 10-10 सालों तक इतने वाकयात रोनुमा नहीं होते जितने एक दिन में हमारे मुल्क में हो गए, और वो 9 अप्रैल की तारीख थी कि जब दिल भी थहमा और डरा भी और सहमा भी और ऐसा लगा कि जैसे गोया एक फिल्म चल रही हो जिसके अंदर एक्शन भी मौजूद है, जिसके अंदर ट्रेजेडी भी मौजूद है, जिसके अंदर कॉमेडी भी मौजूद है, गोया किसी ने हदायत बड़ी अच्छी हदायतकारी के साथ ये जो फिल्म है वो फरमा रहे हो। सुबह सुबह इजलास शुरू हुआ और लंबी लंबी तकरीर शुरू कर दी। ये हुकूमत की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी थी हुकूमत की कि किसी न किसी तरीके से इस जो इजलास है इसको मुलतवी कर दिया जाए और आगे जो होगी देखी जाएगी, शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई हमारी डील हो जाए, कोई खलाई मखलूक जो है हमें आके बचा दे और वो थर्ड अम्पायर जो अब अपनी उंगली खड़ी कर चुका है शायद वो रिव्यू में चला जाए और दोबारा से कुछ इस तरह का कोई सिनेरियो हो जाए, क्योंकि अब बचना मुश्किल नज़र आ रहा है। मगर लंबी लंबी तकरीर करते हुए भी जो इजलास है उसको मुलतवी किया गया, 2-3 बार मुलतवी हुआ, इफ्तार का वहाँ पर एक वक्फा भी दिया गया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब हुई, जब वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक इजलास बुलाया गया और उसी वक्त एक इजलास जारी था GHQ के अंदर भी, और जो वज़ीर आज़म ने फैसला किया, उन्होंने फैसला ये किया कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फारग करने लगा हूँ, बरतरफ करने लगा हूँ। ये जो आपको सलाह मशवरा दिया, ये इतना अकलमंदाना सलाह जो दी, ये आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इनको दी, आज़म खान साहब उनका नाम है, उन्होंने ये इनको बहुत ही बड़ी तजवीज़ दी
जिसके ऊपर इनके दो जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, एक तो बहुत करीबी दोस्त हैं जो जिन्होंने इनको डांटा इस बात के ऊपर बकायदा, और कहा कि अब आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, आपको आपका कोई जवाज नहीं बनता, ये काम ना करें, आप मुल्क को खुदारा एक बहुत बड़े टर्मोइल के अंदर धकेलने जा रहे हैं, खुदा का खौफ खाएं। मगर खान साहब ने नहीं मानी और इत्तलात के मुताबिक खान साहब ने वजारत दिफा को ये जो ड्यूटी है वो सौंप दी। जब जीएचक्यू के अंदर ये बात पता चली तो जीएचक्यू से एक हेलीकॉप्टर जो है वो वजीर आजम हाउस लैंड हुआ, और कहा जाता है कि उसके अंदर दो काफ़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें से एक जो शख्सियत थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब थे, और उन्होंने खान साहब को अकेले में जाके कुछ समझाया, और समझाया यकीनन यही कि अब आपका जो वक्त है वो तमाम हो चुका है, खुददारा कौम के ऊपर तर्स खाएं और इस किस्म के गैर आइनी जो जो इकदाम है उससे इज्तनाब करें। इसी असना के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी खुल गई, चीफ जस्टिस साहब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको भी खोल दिया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करवा दी गई एक शहरी से कि जो अफवाह जो आ रही है जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म साहब किसी भी वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ कर सकते हैं, तो उस काम को, उस गैर आइनी कदम को रोका जाए, और फिल फोर जो है अगर ये इस तरह का फैसला आता है तो वज़ीर आज़म को डी नोटिफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है जो है वो भी खुल चुका था इस वक्त, तो इस वक्त जितने भी हमारे इदारे हैं जो कौमी इदारे हैं वो हरकत में आ चुके थे, और अल्लाह अल्लाह करके एक आफत जो है वो टली इस तरह के जो असद कैसर साहब हैं जो हमारे स्पीकर असम्बली हैं उन्होंने जाकर इस्तीफ़ा दे दिया, और उन्होंने कहा कि मैं खान साहब के साथ अपनी 30 साल की दोस्ती जो है वो नहीं तोड़ सकता, इस वजह से मैं मेरे होते हुए, मेरे इस कुर्सी पर विराजमान होते हुए मैं ये नहीं चाहता कि खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो, तो इसलिए उन्होंने कुर्सी से बर्खास्त होना, कुर्सी छोड़ देना बेहतर समझा। और असद कैसर साहब को ये पता होना चाहिए कि जिस कुर्सी के ऊपर वो फायज थे वो एक कौमी फरीज़ा था, वहाँ पर उनका हक ये बनता है कि वो कौमी जो फ़र्ज़ है उसको निभाएं, ना कि अपनी 30 सालों की यारी को देखें। 30 साल की यारी उनको घर छोड़कर आनी चाहिए थी, ये यहाँ जमहूरियत की बात हो रही थी, ये हम उस जमात की बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान की अवाम ने इस पार्लियामेंट के अंदर पहुँचाया है, इस पार्लियामेंट ने उस वज़ीर आज़म को उस वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचाया है, ये हम उस पार्लियामेंट उस अदारे की बात कर रहे हैं, और यकीनन सर शर्म से झुक जाना चाहिए ये तमाम चीज़ें देखने के बाद। बाकी उसके बाद इमरान खान साहब अभी भी बज़िद थे कि वो अपनी जो है कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, मगर अयाज सादिक साहब ने जो है जल्दी से आके पीछे 13 मिनट पड़े थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया गया और वो पास हो गया, 174 वोट पड़े अपोजिशन को, जिसके साथ जो इमरान खान साहब हैं वो पहले वज़ीर आज़म बन गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, जिनको निकाला गया पार्लियामेंट से। नाज़रीन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेनज़ीर के दौर के अंदर आया, और जब बेनज़ीर के दौर के अंदर आया तो तब एक नौ सितारा पार्टी थी जिसका एक अलायंस था, अपोजिशन का अलायंस था, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, तब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, तो उनके खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वो वहाँ पर मौजूद थी, जिस दिन असम्बली में इजलास होना था वो वहाँ पर मौजूद थी, इसी किस्म का ड्रामा लगा था, लेकिन उनके अंदर इतने गट्स थे कि वो वहाँ मौजूद थी, और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रद्द हुआ, रिजेक्ट हो गया, हुकूमत ने अपने जो मैजिकल नंबर थे वो शो करवा दिए, उसके बाद बेनज़ीर साहिबा नवाज शरीफ के पास गईं और उन्होंने नवाज शरीफ साहिब को मुबारकबाद दी और ये कहा कि ये एक जमहूरी अमल था जो आपने किया, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और नाजरीन, ऐसे जो जमहूरियत का पौधा है वो परवान चढ़ता है। बड़ा दुख हुआ
और बड़े बड़े शर्मसार तरीके से हमने ये 10 दिनों को देखा, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी इस किस्म की हमें मुहरकात देखने को ना मिले, इस किस्म के हमें दिन देखने को ना मिले, और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसका बोलबाला हो, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने के लिए जमहूरियत से बेहतर और कोई हल नहीं है। कोई खलाई मखलूक जो है वो आपकी जमहूर आपका जो मुल्क है वो नहीं चला सकती। आपका मुल्क सिर्फ सियासतदानों के बल पर चलता है, और फैशिस्ट किस्म की सोच और इस किस्म की अना परस्ती को हमें सियासतदान बनने से पहले घर छोड़कर आना चाहिए, क्योंकि जब आप उस पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाते हैं तो आप मुल्की मुफाद के लिए काम करते हैं, आप अपने मुफाद के लिए काम नहीं करते। आप मुल्क को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, आप मुल्क को एक बेहतर स्टेट बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो हमने देखा इन 10 दिनों के अंदर वो इन तमाम वादों के बरक्स था। हमने जमहूरियत पामाल होती देखी, हमने आइन का तकद्दस पामाल होते देखा। ऐसे लगा गोया के हम हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी आकर बैठ गई हो, कोई डिक्टेटर आकर बैठ गया हो, जैसे जनरल जिया के दौर के अंदर देखने को मिला, जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर देखने को मिला। उस किस्म की फीलिंग्स, उस किस्म के जज्बात डेवलप होने लग पड़े थे, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एक बहुत बड़े सियासी बहरान से निकलकर अब आगे देख रहे हैं, और आगे हम नज़र ये आता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब फाइनली वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, उन्होंने अपना हलफ उठा लिया है, अब वो वफाकी कबीना तश्कील देंगे। और नाज़रीन इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर बात करेंगे उस वफाकी कबीना के बारे में, और उस वफाकी कबीना के बारे में ये बात करेंगे कि वो कितनी कामयाब होती है पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलूँगा अगले व्लॉग के अंदर।